माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बिकॉज ये वीडियो है 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड में, बिहार स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड बिहार बोर्ड में जो पूछा गया है। पिछले 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन को एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। बेटा ये इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आप कोई भी बिहार बोर्ड का बुक लोगे, एटम बम लोगे, फिर आप पासपोर्ट लोगे या क्वेश्चन बैंक लोगे, सब में बेटा चैप्टर वाइज नहीं बल्कि ईयर वाइज क्वेश्चन गिवन होते हैं। और आप जो अपना स्टडी करते हो चैप्टर वाइज करते हो, आप चैप्टर 1 पहले पढ़ते हो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, देन आफ्टर आप चैप्टर 2 पढ़ते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जो भी चैप्टर स्टूडेंट कोई भी पढ़ता है वो चैप्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन चैप्टर वाइज स्टडी करता है। बट जो हमारा क्वेश्चन बैंक होता है, जो अवेलेबल एटम बम टाइप के होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें चैप्टर वाइज नहीं होके ईयर वाइज होता है। अब आप फर्स्ट चैप्टर अपना सेल्फ स्टडी से या टीचर की मदद से कंप्लीट कर लेते हैं तो देन आपको जरूरत होता है उससे पूछे गए जो बोर्ड में सवाल है उनकी, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक जब पलटते हैं तो पूरा क्वेश्चन बैंक आपको एक एक पेज करके चूज करना पड़ता है कि इस ईयर में आया हुआ सवाल कहाँ है, नेक्स्ट ईयर में आया हुआ सवाल कहाँ है। इस वीडियो में हम जो भी बिहार बोर्ड में 5 ईयर में आए गए क्वेश्चन है उसका एनालिसिस आपको देने वाले हैं, पूरे डिटेल्ड स्टडी में आपको समझाने वाले हैं 1, 2 जितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईयर वाइज। सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो 2017 से 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम लोग 5 ईयर का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेटा देखते हैं किस ईयर तक कंप्लीट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा अगर 5 साल का करते हैं एक वीडियो में तो इसका 2 पार्ट बनेगा वीडियो का। पार्ट 1 आज आपके लिए अपलोड होगा और पार्ट 2 within 1 to 2 days आपके लिए अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना ईयर है 2021 क्वेश्चंस BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का क्वेश्चन जो कि 2021 में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को पॉज करें, पहले बेटा खुद से आप ट्राई करो बिकॉज ये चैप्टर मैंने आपको बहुत ढंग से पढ़ाया है। आई होप कि सारा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का आपके नोट्स में अवेलेबल होगा, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 1 to 6 है, उसके बाद ये क्वेश्चन है आपका 7, 8, 9 और 10, मतलब 2021 में बिहार बोर्ड से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो अपना चैप्टर नंबर 1 है उससे 10 सवाल पूछे गए हैं और ये टोटल 10 क्वेश्चन मिला के आप देखो 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, मतलब 8 मार्क्स आपको देता है, और 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स आपको देता है, मतलब 8 and 4 12 मार्क्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 1 से 2021 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, हमारे वीडियो को पॉज करें और आप बेटा खुद से ट्राई करें, देन आफ्टर प्ले करके हमारे साथ साथ आप आंसर को मैच कराएं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, 1 by 1 करके सारे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे 2021 में पूछा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, द क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चा देखो यहाँ पे आपसे एसआई यूनिट पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिटेल समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है बच्चा लोग, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φe इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, पक्का बात है, E डॉट डेल एस, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। बच्चा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम एंड एरिया का एसआई यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। अब आप यहां से समझो कि ये यूनिट तो यहां पे कहीं गिवन नहीं है, ऑप्शन में आपका ओम मीटर है, एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है एंड वोल्ट पर मीटर है, जो यहां से फर्स्ट साइट में एसआई यूनिट निकल के आ रहा है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको और इसको डीप में लेके जाना पड़ेगा। और इसको देखिए समझते हैं हम कैसे लिखेंगे, ऐसा करते हैं न्यूटन मीटर हम 1 मीटर एक साथ लिख देते हैं डिवाइडेड बाय कूलम्ब और 1 मीटर को हम अलग कर लेते हैं। बच्चा मेरा जैसे ही मैंने यहां पे ये रिप्रेजेंट किया है आपके माइंड में एक बात
टक से मारा होगा, और वो टक से मारा हुआ बात ये होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बेटा वर्क का ऐसा यूनिट होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। न्यूटन पर मीटर इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जिसको हम जूल बोलते हैं। तो जहां पे बेटा न्यूटन मीटर लिखा हुआ है वहां पे हम जूल लिख सकते हैं, दिस इज जूल पर कूलम, और बाद में लिखा हुआ है मीटर। अब फिर से एक बार टक से मारा होगा आपको, ये जूल पर कूलम क्या होता है? तो बहुत बार अपने क्लास में आया हुआ एक टर्म याद करो, W इज इक्वल टू क्यू वी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क का हो गया जूल, चार्ज का हो गया कूलम्ब। जूल पर कूलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग? वोल्ट बोलते हैं। तो जूल पर कूलम्ब हो गया बेटा अपना वोल्ट, और बाद में क्या लिखा हुआ है? मीटर। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। मीन्स अपने को जो यूनिट मिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो है वोल्ट पर मीटर। वैसे अगर ऑप्शन में ये होता तो ये भी सही था। तो आपको ऑप्शन पे एनालाइज करके सॉल्यूशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, दैट इज वोल्ट मीटर। आई होप सबको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू हमारा बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन क्यू इज इक्वल टू एन ई। यहां पे जो रिलेशन दिया है ये रिलेशन आप ध्यान से समझे, क्यू इज इक्वल टू एन ई का रिलेशन। मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ाया है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें हम आपको बोले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और बेटा इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है? 1, 2, 3 पूरे पूरे नंबर। यहां पे आपको यही चूज करना पड़ेगा। रिलेशन आपको ऑलरेडी पता है, क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई। बच्चा यहाँ पे n इंटीजर होता है। अब आप गिवन ऑप्शन में ये चूज करो कि इसमें इंटीजर कौन है, 4, 8, ठीक है, इंटीजर है 100, ये तीनों इंटीजर है। बोल रहा है नॉट पॉसिबल, ये ध्यान से देखिए कि इन चारों ऑप्शन में n का वैल्यू कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो जो इंटीजर नहीं है वो पॉसिबल नहीं है, एंड द राइट ऑप्शन इज वंस अगेन सी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, यहां से ध्यान देखिए, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एयर है। सबको लगभग पता होगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। एयर की परमिटिविटी कितनी होती है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एयर। बेटा एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं बेटा। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर, एयर की परमिटिविटी। एंड आपको पता है कि एयर की परमिटिविटी कितनी होती है? ऑलवेज 1, ठीक है? एकदम से ऑप्शन को ठोक दिया करो, परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है बच्चे लोग, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। स्वीट एंड सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा, F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। तो आप ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, एंड द राइट ऑप्शन इज ए, द फोर्स ऑन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, राइट ऑप्शन इज ए। ओके आगे बढ़ते हैं। जहां पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा। जहां पे आपको आंसर ऑलरेडी पता होता है वहां पे हम आपका और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही अजीब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि द रिलेटिव परमिटिविटी, ध्यान से देखिए टर्म, हिंट मारा होगा, टक से मारा होगा माइंड में, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा इसको थोड़ा डीप में लेके जाना पड़ेगा, समझिए मेरे साथ साथ इस कॉन्सेप्ट से खेलना सीखिए। जैसे मान लो मेरा बच्चा है, यहां पे एक चार्ज है Q1,
और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R और फिलहाल ये एयर में है, ठीक है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको हम F0 से डिनोट कर रहे हैं। F0 इज इक्वल टू होगा 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R2। कंफर्म बात है, ये फोर्स लगेगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जब ये होंगे एयर में। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बिल्कुल इन्हीं दोनों सेम चार्ज पार्टिकल को एकदम से आइडेंटिकल, दोनों के बीच का सेपरेशन बराबर। अब इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को हम यहां से उठा के प्लेस करेंगे एयर से उठा के किसी मीडियम में। वो मीडियम आपका कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है। तो अब हम इनको प्लेस कर रहे हैं। कंसिडर करो यही चार्ज है अपना Q1 और ये चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। और अब हम इसको लेके गए किसी मीडियम में और उस मीडियम की परमिटिविटी मैंने माना है एप्साइलन। तब यहां इनके बीच में बच्चा लोग फोर्स क्या लगेगा, तो आप बोलोगे सर F = 4 pi epsilon मीडियम की परमिटिविटी Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई R2। एकदम सही आंसर है आपका बेटा। ये फोर्स लगेगा इनके बीच में जब ये किसी मीडियम में प्लेस किए जाएंगे। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सिंपली डिवाइड कर लो, ठीक है, इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 का LHS देखो क्या लिखा हुआ है, F0। इक्वेशन 2 का LHS F है। इक्वेशन 1 का RHS आप देखिए, ये लिखा हुआ है 1/4 pi epsilon naught। इक्वल टू, यहां पे समझिएगा कलर चेंज कर रहा हूं, 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 डिवाइडेड बाई R2 एंड होल डिवाइडेड बाई, तो होल डिवाइडेड बाई बेटा नीचे वाले को डिवाइड करो, आई मीन इक्वेशन 2 को, तो 1/4 pi epsilon Q1 Q2 बट्टा R2। यहां पे बहुत सारा टर्म आपका कैंसिल होने वाला है, 1/4 pi से 1/4 pi कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 कैंसिल। फाइनली आपका क्या आ रहा है, F0 by F इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर जाएगा E/E0। ये जो रेशियो यहां पे निकल के आ रहा है, आपको एक आंसर ऑप्शन में दिया है, आपको ये ऑप्शन में भी दे सकता था, ये वाला आपको ऑप्शन में दिया है। इसी रेशियो को बोलते हैं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर, जिसको आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। मतलब ER इज इक्वल टू आया आपका E/E0। अब आपके सामने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि करेक्ट है। ये देखिए, द रिलेटिव परमिटिविटी ER ऑफ अ मीडियम इज E/E0, मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेटा इसके अलावा आपसे ऑप्शन में ये भी बोल सकता था F0/F। तो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को आप माइंड में रखें। और एक मेरा गुरु मंत्र आप हमेशा माइंड में रखिएगा जो मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं यहां से, एंड दैट इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र इज कि आपको हमेशा ये टर्म एक याद रखना है, ई मीडियम मतलब मीडियम की परमिटिविटी जो होती है वो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मीडियम का परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब जैसे आप वाटर का एग्जांपल ले लो, आपको एयर का परमिटिविटी पता है और रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी इसको बोलते हैं, वाटर का 81 होता है, तो वाटर की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, 81 into epsilon naught, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर माइंड में रखिएगा, इससे बिल्कुल कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होने वाला है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बोल रहा है, ओए होए आ गया, अभी अभी बोलते बोलते मैंने इसका आंसर बोला है आपको, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोला जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोथ आर सेम थिंग, एक बंदे का दो नाम है बस, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्साइलन आर से डिनोट करते हैं, दिस इज ओनली द डिफरेंस।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज, मैंने बोला आपको 81 ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 80.6, ठीक है। तो इसमें अगर आपको 80.6 दिख रहा है तो ठीक है, या उसके करीब में जो वैल्यू दिख रहा है वो सही है। तो राइट आंसर यहां पे आपका क्या होने वाला है, द राइट आंसर इज ए। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है यहां पे, राइट आंसर आपका ए होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे बच्चों का रटा रटाया हुआ क्वेश्चन होता है ये। इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के, बच्चा लोग के होता क्या है, तो के होता है बेटा, के होता है 1/4 pi epsilon naught, ओके ना। अब 1/4 pi epsilon naught है, फिर भी आप सवाल करोगे सर ये के आप कहां से ला दिए। हो सकता है आप एकदम पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाऊंगा। आपको पता है F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे जो K है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, ये K हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट होता है बच्चा लोग, और इस K का वैल्यू होता है 1/4 pi epsilon naught। एप्साइलन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर का वैल्यू आपको पता है 8.85 × 10⁻¹². यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली के का जो वैल्यू निकल के आएगा आपको, के का वैल्यू आएगा 9 × 10⁹। अब यूनिट की बात करें तो आप इस फॉर्मूले पे फोकस करो के का यूनिट क्या होगा। तो अगर आप के का वैल्यू निकालते हैं सिंपली, तो के बराबर, के का वैल्यू आपको निकालना है तो के इक्वल टू क्या होगा, समझिए के इक्वल टू, के का वैल्यू चाहिए एफ, जाके एफ के साथ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 Q2 आके डिवाइड हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम इनटू कूलम, कूलम स्क्वायर। मतलब फाइनली जो के का वैल्यू है 9 × 10⁹, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ यू कैन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, राइट इट फास्ट, स्क्रीनशॉट कर लो आप जल्दी से इसको। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप हो गया ओके। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर एट आपसे बोल रहा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा बात यहां पे करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तभी आप उसका SI यूनिट भी समझ पाएंगे। तो बच्चा लोग, अपने क्लास में हम आपको बोले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। एक चार्ज यहां पे मान लो माइनस क्यू है, एक चार्ज यहां पे मान लो प्लस क्यू है, इनके बीच के डिस्टेंस को सबको पता है हम लोग 2r मानते थे, इसका कोई ना कोई अपना मिड पॉइंट होगा भैया, ये मिड पॉइंट ओ है, ठीक है। ये सामने जो सिस्टम आपका बना हुआ है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2r है। बट बच्चा लोग, यहाँ पे 2r अपना वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये जो सामने तुम्हारा फॉर्मूला है यही डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब इसके SI यूनिट की अगर आप बात करें तो चार्ज का SI यूनिट आपका क्या होने वाला है, कूलम, और 2r मतलब डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2r, इसका यूनिट होने वाला है मीटर। तो द SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है डिफाइन, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया,
डिफाइन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज राइट इट्स एसआई यूनिट। देखिए वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है बच्चा लोग, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होगा चार्ज बाय वॉल्यूम। अब यहां से आपको इसका ऐसा यूनिट मिल जाएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन आपको देना है, आपको डिफाइन करना है और उसका ऐसा यूनिट लिखना है। सिंपली आप डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। शॉर्ट एंड स्वीट सा डेफिनेशन। फॉर्मूला लिखेंगे नीचे आप, फॉर्मूला होगा रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। यहां से उसका आप ऐसा यूनिट कैलकुलेट करेंगे और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब। ओके ना, आई होप हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंस अगेन फॉर 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन में बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको डिफाइन करके दिए हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से समझिए क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, सही बात है भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, यही इसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ऊपर डेफिनेशन हो गया, नीचे फॉर्मूला हो गया। इसका दो यूनिट, एक यूनिट तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकाल के हम बताए थे वोल्ट पर मीटर, दोनों ही ऑप्शन दोनों ही ऐसा यूनिट उसका हम बताए थे, फिर भी एक बार आप देख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट इसका हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब और दूसरा इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब को हम लोग वोल्ट बोलते हैं और एक मीटर बच जाता है तो दूसरा यूनिट है इसका वोल्ट मीटर। ये 2021 में पूछे गए जो 10 क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन है आपके पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग चलते हैं 2020 में कि 2020 में कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं और कितने सवाल पूछे गए हैं। ये रहा 2020 में पूछा गया बिहार बोर्ड का क्वेश्चन। अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन 1, 2, 5, यही 5 क्वेश्चन 2020 में आपसे पूछे गए हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए एंड देन आफ्टर आप उसका आंसर टिक आउट कीजिए और फिर हमारे वीडियो को आप देख के अपने आंसर को मैच कराइए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा बहुत ही गुगली टाइप का सवाल तुमसे पूछा है, बउआ वाला सवाल आपसे पूछा है। एंड ये सवाल क्या है आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो बच्चा मेरा क्यू बराबर आईटी होता है बेटा, डायमेंशन ऑफ चार्ज पूछ रहा है ना, तो आपको पहले तो उसका फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आईटी, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, टी मतलब टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ए हो गया फॉर एम्पियर और इसका हो गया टी, मतलब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला, एटी मिला। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब। ओए जानलेवा छोटा सा प्यारा सा आपको मेमोरी में डालने वाला सवाल। एक रिलेशन हम आपको भी आपको बताए थे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से बेटा ई का वैल्यू निकाल, ई बराबर एफ बाई क्यू, एफ मतलब फोर्स, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब। न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब किसका यूनिट है, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। हो गया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है यूनिट ऑफ एप्साइलन नॉट। हाँ जी, अच्छा सवाल है, यूनिट ऑफ एप्साइलन नॉट भी आपको आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यूनिट ऑफ एप्साइलन नॉट के लिए हम आपको 2 टाइप से इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चा लोग। जो एज ए स्टूडेंट फॉल्ट होता है, फॉल्ट तो नहीं होता है, एज ए स्टूडेंट लोग करते हैं, पहले वो हम एक्टिविटी करते हैं।
F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 बटा R square. तो बेटा यहां से epsilon naught का वैल्यू आप निकालेंगे 1 by 4 pi F Q1 Q2 बटा R square. अब यहां से epsilon naught का यूनिट, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 1 by 4 pi यूनिटलेस, नीचे में फोर्स है, ऊपर चार्ज इनटू चार्ज, तो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्साइलन नॉट का यूनिट निकल के आ गया. बड़ा बोलोगे सर जी ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. बिल्कुल सही बेटा, ये कोई ऑप्शन नहीं है. अब यहां पे आपका दिमाग खटकेगा, थोड़ा सा टक से मारेगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. सबसे पहले आपको एक और प्यारा सा रिलेशन याद करना पड़ेगा जो कि है कैपेसिटेंस के बारे में, एंड वो है चैप्टर नंबर 2 में. जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर में प्लेस किया जाता है तो उनके बीच कैपेसिटेंस कितना होता है, C बराबर एप्साइलन नॉट ए बाय डी. यहां से बेटा एप्साइलन नॉट का फॉर्मूला निकालो, सी डी डिवाइडेड बाय ए. सी स्टैंड फॉर कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट इज फेराड. C का यूनिट फेराड, D मतलब मीटर, डिस्टेंस एरिया मतलब मीटर स्क्वायर. एक मीटर से आपका मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या मिला, फेराड पर मीटर. एंड द राइट ऑप्शन इज फेराड पर मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, राइट इट फास्ट. अगर ऑप्शन में ये होता तो हम इसको राइट करते, बट ऑप्शन में ये नहीं था तो हमको दूसरे टाइप से सोचना पड़ा जहां से हमको यूनिट मिला फेराड पर मीटर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. इसमें ध्यान से देखो क्या बोल रहा है. इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट यू मीन बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको डिफाइन करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी सिंपल डेफिनेशन में लिख देता हूं, आप सबको पता ही होगा. इट इज डिफाइंड एज फोर्स, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लिखेंगे. भाई बोलोगे सर कौन सा फोर्स, पूरा लिख देता हूं. इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. बस यही डेफिनेशन आपको लिखना है एंड आपको फॉर्मूला लिख देना है, F इज इक्वल ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू. यहां से चाहो तो आप यूनिट लिख दो न्यूटन पर कूलम, इंप्रेस करने का अपना अपना तरीका होता है, बट द सैटिस्फाइड आंसर इज दिस. ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ओके बेटा लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो शब्द कंजर्वेशन कहीं पे भी लगता है उसका रटा रटाया डेफिनेशन आपके पास है, और वो डेफिनेशन है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. यहां पे भी वही बात है, आपसे पूछा है व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. ठीक है, लिख देता हूं मैं आपके लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम It can only transfer from one body to another body, one body to another body. या आप एकदम से एक लाइन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट. ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल भी ले लो. आप लोगों ने NaCl का नाम सुना होगा, NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, और ये जब आयंस में टूटता है तो ये बनाता है Na प्लस और Cl माइनस. देखिए NaCl को ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है
और आयंस में ब्रेक होने के बाद भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है, कुल मिला के चार्ज वहां पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो, तो चार्ज कॉन्स्टेंट है, चार्ज कंजर्व कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इन्हीं टू ईयर्स का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। इसका जो सेकंड पार्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 19, 18 और 17 को कवर करेंगे। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। हर चैप्टर का प्रीवियस 5 ईयर का एक्सप्लेनेशन आपके लिए अवेलेबल होगा हमारे इस YouTube चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।